मिस अस्सलाम वालेकुम वेलकम इन डे तो जाना कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग ठीक हैं खुश हैं और हैं खैर खैरियत से जनाब बहुत दिन हो गए बातें नहीं हुई हैं और मैं ब्लॉग भी जो है वो डेली नहीं अपलोड कर पा रही थी बिकॉज आप लोगों को पता है कि मैं वापस आई थी लाहौर और तीन महीने के बाद लाहौर वापस आके क्या क्या देखने को मिला वो सब आप लोगों को इस व्लॉग में जानने को मिलेगा सर ब्लॉग को देखिएगा एंड तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लें जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने लॉर्ड गई हुई थी हैदराबाद गई हुई थी जुल्हज की ईद पे गई थी एंड ऑफ जून हम गए थे लाइक like बाईस जून को हम गए थे और अब हम लोग एंड ऑफ सेप्टेम्बर वापस आए हैं ठीक है जी तो ऑलमोस्ट ये है कि हफ्ता तो हो चुका है मुझे आए हुए मैं लाइक like हम लोग वहाँ से पिछले uh, मंडे लाइक like, जो गुज़रा है मंडे उस पर हम लोग जो है वो वापस आए हैं मतलब वहाँ से निकले थे बाय रोड निकले थे वो ब्लॉगर अगर आप लोगों ने मिस किया है तो जाके ज़रूर देख लीजिए मैंने वो आप लोगों को आप लोगों के साथ जो है वो अपनी जर्नी शेयर की है टोटल और ये है कि अभी आ, मुझे जो है वो वन वीक ऑलमोस्ट हो चुका है यहाँ पर और जब मैं वापस आई तो क्योंकि हमारे साथ जो है वो गेस्ट भी थे तो आ, मैं जो है वो घर को उस तरीके से ज़ाहिर है टाइम नहीं दे पा रही थी जिसकी वजह से मुझे अपनी एक सेटिसफिकेशन नहीं हो रही थी बिकॉज एक जब तक इंसान अपना नहीं ना हाथ लगाता किसी भी काम में मतलब चाहे वो कोई भी किस्म किस्म की क्लीनिंग हो कुछ भी हो तो मेरे दिल को तो तसली खैर नहीं होती है मोस्टली हम औरतों को तसली नहीं होती जब तक हम अपना जो है ना वो टचअप ना दें किसी भी चीज़ में दैट्स वाई खैरनी हाओ थोड़ा सा बिज़ी चल रहे थे और उसके बाद ये है कि फिर मुझे एनी हाओ अभी भी मैं यकीन करें आप लोगों को ये कहूँगी कि अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ कि जैसे अभी तक मैं ये कहूँगी कि घर जो है ना वो गंदा है मतलब लाइक वैसे साफ नहीं है जैसे जैसे एक होता है लाइक स्टिल एक वन वीक हो चुका है लेकिन स्टिल आई एम नॉट इन माय रूटीन ठीक है क्योंकि घर बंद करना और अपना घर जो है वो आप बंद करके और आप फिर कहीं और जाते हैं जहाँ भी आप जाते हैं बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है पीछे से फिर ज़ाहिर है मिट्टी के तूफ़ान भी आ रहे होते हैं तो बारिशें भी हो रही होती हैं तो उसके अलावा भी इतने मसले मसाइल होते हैं कि मतलब हम लोगों की सोच है जब भी मैं आती हूँ वापस तो कोई ना कोई सरप्राइज जो है वो मुझे मिलता ही है जाहिर है वही वाली बात है कि जब आप रह रहे होते हो एक हर चीज़ जो है वो यूज़ में तब हो रही होती है किसी भी किस्म की चीज़ है आपके घर की मोटर हो वो यूज़ में है ठीक है आपके घर की गाड़ी हो वो यूज़ में है ठीक है आपके घर की लाइटनिंग हो वो यूज़ में है आपके घर का फ्रिज है वो यूज़ में है एनी थिंग यू नो मशीनरी है वो यूज़ में है अगर आप उसको बंद करके चले गए और उसको छोड़ के चले गए और उसके बाद जब आप वापस आते हैं तो मट्टी तो होती ही होती है ना घर का सत्यानाश तो होता ही होता है वो तो आपको साफ़ करना ही है मतलब लाइक यकीन करें कि कब्ड्स के अंदर जाले और उसके बाद दीवारों के ऊपर दीमक और उसके बाद दीवारों पे तो खैर जाले होते ही होते हैं कबर्ड्स के अंदर तक जाले होते हैं और मतलब इस कदर कोनों और मतलब आप यकीन करेंगे कि नीचे जो मेरे लाउंज में पीवीसी शीट लगी हुई है वॉल्स पे उफ जो उसके ऊपर मट्टी जमी हुई थी लाइक सीरियसली like, वो जो डंडे वाला पोच बिकॉज <laughs> इतना ऊपर दीवार पे पहुंचना लाइक like, कौन मतलब लाइक like, तन्नी भाई इज सो टॉल मैंने उनको चेयर पे खड़ा किया वो भी लाइक like, हाई तक नहीं पहुंच पा रहे थे जाहिर है भाई दीवार है इतनी बड़ी तो डंडे वाला पोचा इस्तेमाल करके हमने वो पीवीसी शीट्स को क्लीन किया है चेयर के ऊपर खड़ा होके मतलब लाइक पोचे लगा रहे हैं Uh, दीवारों के ऊपर लाइक like, पोचे ठीक है ना और उसके बाद पोचों से मज़ा नहीं आ रहा था तो वाइपर के ऊपर गीला कपड़ा डाल के जो एक साइड से गीला है वो पीछे से जो ड्राई है वो करके मतलब लाइक like, कोशिशों के ऊपर कोशिशें कि ये मट्टी जो है वो साफ़ हो जाए किसी तरीके से बिकॉज़ ये तय जम गई है तय ठीक है उसके ऊपर तय जम गई है धूल मतलब इस इस कदर के कि मैं क्या कहूँ क्योंकि आप लोगों को पता है नीचे जो uh, पीवीसी शीट है वो सिल्वर ग्रेश कलर की है और उसके ऊपर जब मट्टी के स्थित बड़े बड़े चक्ते जमे हुए हों तो वो किस तरह लगते हैं मतलब मैं कहती हूँ कि भई वाह उसके बाद सुहानी बात सुने गाड़ी हम लोगों की बिट्स जो है वो यहाँ खड़ी हुई थी ठीक है हम लोग लीड निकाल के जाते हैं जो बैटरी की लीड है निकाल के गए कवर भी चढ़ा हुआ है गाड़ी के ऊपर ठीक है उसके बावजूद मतलब नीचे से उसके इंजन में बिल्ली आंटी घुस गई और इंजन में जाके उन्होंने बच्चे दे दिए मैं कहती हूँ कि आंटी को कोई जगह नहीं मिली कोई जगह नहीं मिली दुनिया जहान की जगहें खत्म हो गई बस रह गई तो मेरी विड्स का इंजन रह गया जिसके अंदर जाके उसको बच्चे देने थे उफ अल्लाह आप लोगों की सोच है कि उसके अंदर किस कदर स्मेल और किस कदर खराबी और पता नहीं क्या लाइक आई होप कि आप लोग मेरे दुख में शरीक हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग मेरे दुख में शरीक हैं क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप मेरे दुख में शरीक हो ठीक है इंजन में बिल्ली ने बच्चे दिए और जो गंदगी और जो स्मेल और उसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं और उसके बाद वो घर के बाहर से चूहे लेकर आ रही है लाइक चूहे जो गैराज में जो है वो उन लोगों ने चूहे खाए हैं फिर मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती जो गैराज का सत्यानाश था मतलब हम लोग सांस नहीं ले पा रहे थे हम लोगों को सांस ही नहीं आ रही थी वी वर लिटरली वॉमिटिंग मतलब वी वर... हम लोग सिर्फ वॉमिट कर रहे थे इस कदर था इस कदर मतलब <laughs> अस्तफरला अस्तरुल्लाह अस्तफरुल्ला मतलब मैं गाड़ी सर्विस करवाई है गाड़ी को बाहर भेज दिया कि यार ये इसको बाहर निकालो इसको बाहर निकालो उसके बाद गैरेज को कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ी हो के जिसके साथ हमने गैरेज को धोया ना क्या सर्फ क्या फ़िनाइल क्या डेटॉल क्या हार पे पूरी दुनिया गिरा दी कि यार ये गैरेज साफ हो जाए किसी तरीके से मतलब हस्तखरल तो जनाब ये कुछ सूरत हाल थी जिसपे मैं बिज़ी थी बहुत ज़्यादा और स्टिल मैं अंदर की सफाई आ, जो क्लीनिंग है डीप क्लिनिंग उससे स्टिल मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ ठीक है जनाब तो खैर ये सिलसिला तो चलता रहेगा मैंने कहा कि आप लोगों को अपडेट देती चलूँ कि मैं डेली व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर पा रही बिकॉज एक तो गेस्ट है और जो है वो दूसरी बात ये कि घर जो है वो जहाँ से देखो वहाँ से गंदा है ठीक है जी तो ये था मेरा आज का ब्लाग मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ी गप लगाई जाए और आप लोगों को थोड़ी बहुत अपडेट दी जाए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए इंशाल्लाह शी इंशाल्लाह श्ला अब रेगुलर ब्लॉग्स आते जाएंगे इंशाल्लाह श्ला ठीक है जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए खुश रहिए और खुश रहने दीजिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन ओके बाय अल्लाह हाफिज़ टेक केयर